नाउ वी स्टार्ट लेक्चर एफ। टुडे थ्योरम, इफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हूज कोएफिशिएंट्स आर ऑल रैशनल क्वांटिटीज हैज ए रूट, द रूट भी कैसा फॉर्म का इरेशनल एक्सप्रेशन अल्फा प्लस रूट बीटा वेयर बीटा इज पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इट मस्ट ऑल्सो हैव ए रूट द कंजुगेट इरेशनल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है, यदि किसी पॉलिनोम किसी इक्वेशन में जिसके कोफिशिएंट क्या है रैशनल, उसका इस तरह का रूट पाया जाता है तो ऐसा रूट भी पाया जाएगा। हाउ वी कैन प्रूव एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले ली, इक्वेशन ले ली एन एथ डिग्री की, मान के चलते कि इसका एक रूट ये है, वेहर बीटा इज पॉजिटिव वन थिंग, सेकेंड थिंग रैशनल, थर्ड थिंग नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बीटा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये सारी बातें हमने लिखी। तो हम यहां कह रहे हैं अल्फा बीटा क्या है रैशनल, बीटा पॉजिटिव, बीटा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यदि रूट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये भी रूट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, यदि ये रूट होता, ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो ये फैक्टर इस एफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड करता। अब देखिए इनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसकी प्रोडक्ट ये बनेगी, तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे इस पॉलिनोमियल के, दो डिग्री की पॉलिनोमियल है हूज कोफिशिएंट्स आर ओनली ओनली रैशनल। तो जब ये पॉलिनोमियल दो डिग्री की एफ एक्स को डिवाइड करेगी तो क्यू एक्स, और रिमाइंडर बचेगा, हम रिमाइंडर को लिखेंगे आर, यस बोलिए आर, व्हाट कैन एक्स आर डैश, क्योंकि ये दो डिग्री की है तो रिमाइंडर की डिग्री एक होगी। अब इसके साथ दिस आर एंड आर डैश मस्ट बी रैशनल, क्योंकि ये भी इसके भी कोएफिशिएंट रैशनल, इसके भी रैशनल, तो रिमाइंडर के भी रैशनल आएंगे और इसके भी रैशनल आएंगे। व्हाट वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा, एक्स माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा, ओके, क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर डैश। अब यदि हम एक्स को ये पुट कर देते हैं, क्योंकि ये एफ एक्स का रूट है, तो इधर आएगा जीरो, इधर भी आएगा जीरो, इधर आएगा आर अल्फा प्लस रूट बीटा आर डैश,
हम वो कोफिशियंट अलग कर देते हैं जिसके साथ रूट बीटा नहीं आया, तो आर अल्फा प्लस आर डैश प्लस रूट बीटा, जिसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जीरो को जीरो प्लस जीरो रूट बीटा। अब बात यह है कि ये टर्म वो है जिसमें ये इरेशनल एक्सप्रेशन आया है, इसमें रैशनल है। इट मीन्स इसके अंदर देखें तो इरेशनल एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट क्या, जीरो। तो ये जीरो जब होगी जब ये सेपरेटली जीरो हो और ये सेपरेटली जीरो, यानी कि आर अल्फा प्लस आर डैश भी जीरो हो और आर डैश भी जीरो। इसको यहां रखेंगे तो वी गेट आर इज ऑल्सो जीरो। तो जो हमने रिमाइंडर लिखा था वही जीरो आ गया। जीरो आ गया तो इसका मतलब ये जो चीज थी इसने एफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो यदि ये रूट है इसका मतलब ये भी रूट है और ये भी रूट है। अब कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर एक, यदि ये रूट आर टाइम्स आया है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस आर रैशनल एंड बीटा इज पॉजिटिव नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड रैशनल, देन दिस रूट ऑल्सो लाइज आर टाइम्स। सेकेंड थिंग, इफ दिस इज द रूट वेयर अल्फा इज पॉजिटिव बीटा इज पॉजिटिव, बोथ अल्फा बीट अल्फा एंड बीटा आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर एंड बोथ आर रैशनल, एंड दिस इज द रूट ऑफ ए इक्वेशन हुज कोफिशिएंट आर रैशनल, तो उसके ये चार रूट और तीन रूट और होंगे। तो ये उसके चार रूट जरूर बनेंगे। ओके, तो हमें चीजें बहुत क्लेरिफाई करके देखनी है कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है। ओके, यदि कहीं ये कह दे कि ये रूट है अल्फा इज पॉजिटिव अल्फा इज रैशनल नॉट परफेक्ट स्केल एंड ये दिस इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट आर रैशनल, तो रैशनल है तो पहले रियल की बात करें। यदि कोफिशिएंट रियल रैशनल कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट आर रियल, इट मीन्स दिस ये भी रूट होगा। कोफिशिएंट रैशनल इसका मतलब ये भी रूट होगा, कोफिशिएंट रैशनल इसका मतलब ये भी रूट होगा, तो उसके ये चार रूट जरूर होंगे। ओके, बहुत ध्यान से ये बातें करनी है आपने ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। नाउ वी आर स्टडी द वन क्वेश्चन, शो दैट दिस इक्वेशन ये इक्वेशन है जहां पर ए बी सी डी एल और एम आर नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हमने प्रूव करना है कि इसका कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं होगा। इट हैज नो इमेजिनरी रूट। इफ वी अज्यूम दैट एक्स यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका इमेजिनरी रूट है, तो ये भी इमेजिनरी रूट होगा। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ए रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगी जिसके सारे रूट्स जिसके सारे कोफिशिएंट रियल होंगे। जब कोफिशिएंट रियल होंगे तो कंजुगेट जो रूट्स होते हैं वो किस में लाई करते हैं, पेयर में लाई करते हैं। ये यहां रखते हैं तो आएगा ए स्केयर, यह आएगा अल्फा प्लस अयोटा बीटा माइनस ए, तो इसको हम लिख लेंगे अल्फा माइनस ए प्लस अयोटा बीटा, बी स्केयर अल्फा माइनस बी प्लस अयोटा बीटा, एल स्केयर में लिखेंगे अल्फा माइनस एल अयोटा बीटा, अल्फा माइनस एम अयोटा बीटा। सिमिलरली कंजुगेट वाला होगा तो अल्फा माइनस ए अयोटा बीटा, बी स्केयर अल्फा माइनस बी अयोटा बीटा, एल स्केयर अल्फा माइनस एल माइनस अयोटा बीटा, अल्फा माइनस एम माइनस अयोटा बीटा। यदि हम इसको इक्वेशन नंबर एक और इसको इक्वेशन नंबर दो बोलें और इन दोनों इक्वेशनों को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
वी गेट दिस थिंग ए स्क्वायर अल्फा माइनस ए आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा लाइक दैट। लास्ट में आएगा एल स्क्वायर अल्फा माइनस एल आयोटा बीटा अल्फा माइनस एल आयोटा बीटा। और इधर था हमारा अल्फा माइनस एम आयोटा बीटा, में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया अल्फा माइनस एम माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा, तो ये कट गया। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा इधर जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर अल्फा माइनस ए आयोटा बीटा अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर डैश 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 एल स्क्वायर अल्फा माइनस एल आयोटा बीटा अल्फा माइनस एल माइनस आयोटा बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू आयोटा बीटा। ठीक है, ये कट जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये आएगा टू आयोटा बीटा ए स्क्वायर बाई अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लास्ट में आएगा टू आयोटा बीटा एल स्क्वायर अल्फा माइनस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसमें से टू आयोटा बीटा कॉमन ले लो, वन प्लस ए स्क्वायर बटे में अल्फा अल्फा ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अल्फा माइनस एल स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी और ये वन, तो ओवरऑल दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसको नीचे ले जा सकते हैं तो वी गेट टू आयोटा बीटा इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू जीरो। इस बीटा जीरो होने का मीनिंग ये हो गया कि जो हमने रूट माना था वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट मस्ट बी रियल। तो हमारा वही जो टारगेट था, क्या टारगेट था, इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते, वो हमने प्रूव कर दिया। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सिमिलरली एक ऐसा भी है जिसको आप खुद करेंगे, इसके रूट भी इमेजिनरी नहीं हो सकते सिमिलरली फैशन पे। तो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड एक्सरसाइज, सून वी स्टार्ट द थर्ड एक्सरसाइज। ओके।